हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रशाद व्लॉग्स। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है, उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। तो बाय द वे, आई एम इन लखनऊ। कल मैं लखनऊ आया था, कल रात, देखो बैठू मैं अभी अकेला हूँ, बताता हूँ। कल रात मैं लखनऊ आया और कसम से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई मुझसे, इतनी ज़्यादा गलती। आपने टाइटल से पता कर लिया होगा कि क्या हुई गलती मुझसे। मैं आया लखनऊ और मैं चाबी भूल गया, फ्लैट की चाबी लेना ही भूल गया। फिर जब मैं लखनऊ पहुंचा तब मुझे याद आया कि अरे यार शिट, मैंने चाबी नहीं ली। तो भाई उस टाइम तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। कल रात में मैं घर से 9:30 के अराउंड चला था और मैं इधर आ गया था, फिर लखनऊ शहर में था। तो मुझे 1 बजे के करीब याद आया कि अरे यार हमने फ्लैट की नहीं लाई है, अब क्या होगा। भाई उस टाइम कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था, फिर अब करे क्या। तो मैंने अपने एक दो दोस्तों को फ़ोन घुमाया जिनके यहाँ पे फ्लैट है। तो खैर अल्लाह के शुक्र से एक जगह था, एक जहाँ हम पहले रहते थे विकास नगर में, वहाँ पे कल मैंने स्टे किया। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ तो हम सारे ही वहाँ पे एक रूम में एडजस्ट किया हम लोग ने। इतनी गर्मी थी कि रात भर नींद ही नहीं आई। फिर आज एक और लोग आ रहे थे मऊ से, तो उनसे हम लोग ने फ्लैट की मंगा ली। तो सुबह 9:30 बजे इधर आया अभी, और मैं आया, रात की नींद पूरी नहीं हुई थी तो मैं आके सो गया पहले। तो फिर अभी सारे लोग गए हैं वहाँ बगल में फिनिक्स मॉल में, मैं कहा यार तुम लोग जाओ मुझे नहीं जाना। फिर मैं आ गया था, फिर नहाया धोया मैं सोचा कि यार अब कुछ खा लेते हैं। तो वही अभी मैंने बिरयानी मंगाई है कालिका से, दिस इज़ चिकन बिरयानी। ओ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है यार, मैं अकेले नहीं खा पाऊँगा, लेकिन भूख ज़्यादा लगी है, मैं भी खा लूँ, कोई वो नहीं है। तो अब बड़ी बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही है, तो मैं पहले अपना खाना वाना खा लेता हूँ। बाकी और मुझे एक काम है, मुझे जाना है किया के सर्विस सेंटर, वहाँ से मुझे कुछ वाइपर था वो उठाना है। यहाँ पे जो बीबीटी के पास किया है उनके पास वो सामान अवेलेबल नहीं था। तो एक और है एयरपोर्ट के थोड़ा आगे है, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है, तो वो जाके मुझे वहाँ से एक सा वो वाइपर उठाना है। तो अभी मैं खा के फिर उधर निकलूँगा। और गर्मी इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है लखनऊ में, बस क्या बताऊँ, मेरे ख्याल से 42-43 डिग्रीज है इधर। तो मैं कहा कि यार तुम लोग घूमो मॉल में, बढ़िया मज़े करो, मैं इतनी गर्मी में बाहर निकल ही नहीं सकता। और मॉल में भी हाँ एसी चलता रहता है, कोई मसला नहीं होता है, लेकिन क्या मॉल में क्या ही घूमना। मैं कहा कि मैं फ्लैट पे आराम से सोऊंगा, तुम लोग घूमो मज़े करो। भाई क्या उम्दा खुशबू है बिरयानी, मज़ा आ गया। अभी तो खाया टेस्ट नहीं की मैंने, अभी तो खुशबू से ही मज़ा आ गया। आप लोग देखो, ये है बिरयानी, ये है ग्रीन चटनी, इधर है रायता, इधर है ग्रेवी, और ये है अनियन सैलेड। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या बिरयानी थी बॉस, मज़ा आ गया सच में। किसी को मंगाना हो ना इधर से मंगा सकते हो आप लोग, बताता हूँ द कालिका हट, मज़ा आ गया खाने। ये देखो ये थी 2 सर्विंग्स, यानी कि 2 लोगों के लिए, लेकिन आपके भाई ने अकेले मुकम्मल कर दी पूरी, खलास। और थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब थका क्या, जैसे सुस्ती से होने लगी। मैं सुबह तक खा के फ़ौरन निकल लूँगा किया के सर्विस सेंटर, लेकिन अब थोड़ी देर खैरुल्ला करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर, मतलब 10 से 15 मिनट थोड़ा आराम कर लूँ, फिर निकलेंगे आराम से, अपने पास टाइम ही टाइम है आज। उस टाइम तो मैं सो गया था, फिर बिरयानी खा के इतनी तगड़ी वाली मुझे नींद आई तो मैं सोया। फिर मैं इधर आ गया सीधे किया के सर्विस सेंटर, ये अपना वो जो लखनऊ कानपुर रोड है वहाँ पर है ये अपना सर्विस सेंटर। और ये मुझे जो लेने थे वाइपर ब्लेड्स, ये ले लिए मैंने। और यहाँ पे यार काफ़ी टाइम लग गया मुझे फ्लैट से यहाँ पे आने में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे लगे। बाकी यहाँ पे मुझे 45 मिनट्स लग गए यहाँ पे बिलिंग कराने में, वो पता नहीं क्या का प्रोसेस था उसमें, यहाँ 45 मिनट्स लग गए और मैं बस निकल रहा हूँ। और इधर यहाँ बगल में ऑडी का शोरूम है, तो ये इधर है अपना कौन सा है, स्काई डेक ऑटो किया। एक्चुअली ये वाला वाइपर जो था वो वहाँ वाले जो चिन्हट पे है, चिन्हट पे सर्विस सेंटर, वहाँ पे वाला वाइपर अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे मैंने पता किया, यहाँ पे अवेलेबल था तो मैं इधर आके। कितना खूबसूरत लग रहा है इधर का फाउंटेन आगे, और ये लाइट, अभी थोड़ा शाम के 6:46 हो रहे हैं तो ये लाइटिंग अभी इतनी पता नहीं लग रही है, वरना रात में इतना खूबसूरत लगता है ना मॉल, ज़बरदस्त लगता है। देखो अभी ये हल्की हल्की सी लाइटिंग हो रही है, मतलब लाइटिंग तो फुल हो रही है, हल्का हल्का सा पता लग रहा है, लेकिन जब रात में बिल्कुल एक नंबर लगता है। फाइनली पहुंच गए बाबा अपन फ्लैट पे, और यार इस टाइम सही लग रहा है, देखो शाम हो गई है, वरना आज इतना घटिया वाला टेम्परेचर था ना लखनऊ में, 44 डिग्रीज तक गया था, मैंने चेक किया था तो उस टाइम 44 डिग्री शो कर रहा था। सोचो क्या हालत हुई होगी यार, इतनी ज़्यादा सख्त धूप थी आज, मतलब
आप बाहर निकलो तो आंखें नहीं खुल रही थी, इस टाइप का था सीन। भाई बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैं आगे चल के देखता हूँ कि पूल में कोई नहा रहा है नहीं रहा। स्विमिंग तो चल रही, उधर कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं, और मेरे घर वाले अभी मैंने गया देखा तो वो लोग ऊपर चले गए। बाकी इधर ये बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, और मैं भी अब थोड़ा थक गया हूँ तो पहले जाऊँगा ऊपर कुछ खाऊँगा। ज़्यादा ही भीड़ थी आज तो उस पूल में। संडे के दिन ऐसा होता है कि ज़्यादा रहती है और दिन के मुकाबले, सैटरडे और संडे इन लोगों का थोड़ा टाइम भी ज़्यादा है, और दिन जैसे वीकडेज में ना टाइम कम होता है, और मंडे जो है वो बंद रहता है स्विमिंग पूल, वो मेंटेनेंस और क्लीनिंग की वजह से मंडे बंद करते हैं, बाकी सैटरडे और संडे जो है एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो अभी मैं गया था तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी, मैं मुझे नहाने की हिम्मत नहीं हुई, मैं कहा कि यार चलो मैं चलता हूँ, अगर रात में देखेंगे दिल करेगा तो जाके नहा लेंगे। और इधर है मेरा KFC, KFC आया था तो अब मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो मैं सोचा कि यार यही KFC निपटा लेता हूँ, बाकी रात का खाना खाने तो जाना ही रहेगा, तो इस टाइम KFC से अभी काम चला लेते हैं। दोपहर का तो खाना मैंने खा ही लिया था, लेकिन शाम में भी भूख लगने लगती है संडे वाले दिन स्पेशली, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी KFC खा लेता हूँ फिर देखते हैं। और फ्लैट में यार काफ़ी आराम है, बाहर तो बहुत तगड़ी वाली गर्मी हो रही है, लेकिन आज जो मैंने किया है ना बिल्कुल ऐसी मिस्टेक वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम मी। मैं क्या समझे, घर से आता हूँ तो मैं 1000 बार चाबी चेक करता हूँ कम से कम, कि जब मैं रख भी लेता हूँ, मान लीजिए बैग में मैंने अपनी की रख ली फ्लैट की, तो लेकिन मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो 1000 बार चेक कराता हूँ कि देख लो है या नहीं, देख लो, जब तक खुद देखता नहीं हूँ कि हाँ है चाबी तब तक वहाँ से निकलता नहीं हूँ। लेकिन इस बार यार पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ से घर से लखनऊ आ गया, और लखनऊ में भी आगे मुझे होश नहीं, लखनऊ में भी थोड़ा इधर उधर टहले, फिर उसके बाद होश आया कि यार चाबी नहीं ली मैंने, तो बिल्कुल ये गलती नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं सोच रहा हूँ तो मुझे कॉल भी नहीं हो रहा है कि हाँ मैंने ये किया कि मैं चाबी घर पर भूल गया। खैर वो तो अल्लाह के शुक्र से आज एक लोग आ रहे थे, उनके ज़रिए चाबी हमारी यहाँ पर आ गई, और ना तो गर्मी में गुजारा करना पड़ता, गर्मी में क्या फिर तो घर ही भाग जाते हम लोग वापस अगर चाबी नहीं आती तो। खैर जो भी है हुआ है सही है, आगे से आइंदा मतलब और ज़्यादा इस चीज़ पे ख्याल रहेगा कि हाँ सबको ख्याल रहेगा कि निकलते वक्त कि हाँ कुछ सामान तो नहीं छोटा है, सारा सामान ले तो लिया ना। Hey guys, good morning. This is the next day. कल रात में मैं खाना इधर ही मंगा लिया था फ्लैट पे, हम लोग कहीं गए नहीं बाहर, शाम में गया था थोड़ा मैं चौक साइड, फिर उसके बाद हम लोग ने खाना वगैरह इधर ही मंगा लिया था, इधर ही हम लोग ने खाना खाया, बहुत हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं बाहर जाने की कि बाहर जाके कहीं खाना खाएं, तो इतना ज़्यादा थक गया था कि हम लोग सब सोए बहुत बुरी तरह, एंड वी वर सपोज टू लीव इन द मॉर्निंग 4 से 5 बजे तक सोचा था निकलेंगे सुबह 4 से 5 बजे, लेकिन अभी तो सुबह के 10 बजने लगे और अभी हम लोग इधर ही हैं फ्लैट पर, तो अब बस निकल रहे हैं, सारी पैकिंग वगैरह डन हो गई है। और इतनी बार मैं आपको दिखाया हूँ यहाँ से घर जाते वक्त का वीडियो, तो मैं इधर ही ब्लॉग को एंड करूँगा। एक्चुअली सुबह निकलने का रीज़न ये था कि जब हम लखनऊ से मऊ जाते हैं तो हाईवे पे ना सूरज बिल्कुल सामने होता है आपके सर के ऊपर रहेगा, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि हम लोग बहुत सुबह सुबह निकल जाएँ, मतलब सनराइज़ ना हुआ हो, घर पहुँचे तब सनराइज़ हो, लेकिन पता है जब सब रहते हैं एक साथ घर वाले तो सबका इधर उधर का नाटक रहता है, मैं अकेला होता तो मैं निकल जाता, लेकिन जब मैं उठा सुबह 3:30 के अराउंड उठा था, साढ़े तीन चार बजे तक उठा था, मैंने उठाया कोई उठा ही नहीं, तो मैं भी आ गया दोबारा सो गया। खैर व्हाटएवर जो भी, अब निकल रहे हैं यहाँ से, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।